मैंने एक दफा मना कर दिया है ना कि नहीं दाखला वाखला लेना। सारा भी तो एडमिशन ले रही है ना? सारा की और बात है, वो इस घर की बेटी है। और मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ। तुम्हें मालूम है ना उसमें और तुम में क्या फर्क है? नहीं दादी, मैं नहीं जानती, आप मुझे बता दें क्या फर्क है। सारा नजमा की बेटी है और तुम जरीन की। सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ ने सच बोला, झूठ नहीं बोला, किसी को कोई धोखा नहीं दिया। ताई जान की पारसाई का क्या सबूत है आपके पास? उन्होंने शादी से पहले क्या क्या कुछ किया होगा ये किसको पता है? तुमने अपनी माँ जैसी गंदी औरत के साथ मुझे मिलाया, जिसकी शादी से पहले और बाद में अल्लाह माफ करे पता नहीं किस किस के साथ ताल्लुकात थे। तुमने उस औरत के साथ जोड़ा मुझे। तुम्हारी इतनी लंबी जुबान कट क्यों ना गई ये बकवास करने से पहले? नजमा माँ, सुना आपने? इस आस्तीन के सांप को मैंने पाला, इसकी हर जरूरत पूरी की, इसका ख्याल रखा एक माँ बन के। उस वक्त जब इसका बाप इसे धुतकार कर चला गया था कि चाहो तो उसे सड़क में फेंक दो या गटर में, तुझे मैंने सीने से लगाया और देखे इससे आप... अरे पागल है ये, इसको होश ही नहीं है कि ये क्या पके जा रही है, क्या बोल रही है। तुम ये बात दिल पे मत लो नजमा। नहीं अम्मा, इसने जो कुछ बकवास की है पूरे होशो हवास में की है। रे मैं तो उन माँ बाप की बेटी हूँ जिनका नाम लेते हुए आज भी लोग अदब एहतराम से नजरें झुका लेते हैं। हमारे खानदान की कस्बे लोग सात मोहल्लों तक खाते हैं। तुम्हारी माँ की तरह नहीं, जो हाँ जो बेशरम बेहया आवारा बच्चलन है, जो कि मेरी माँ थी और मैं बेटी हूँ उसकी, क्यों गले से लगा लिया ताईजान? किसी गटर में या किसी सड़क पर क्यों नहीं फेंक दिया आपने? कम से कम अगर जिंदा रहती तो इस जिल्लत से बच जाती मैं। क्या बके जा रही है एहसान फरामोश लड़की? ये नहीं मालूम कि हम दोनों ने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए, फिर भी बोले जा रही है, बके जा रही है। तो ना करते दादी जो कुछ आप लोगों ने रहम खाकर किया है मेरे लिए। और अगर तर्स खा ही लिया था तो माफ कर देते, भूल जाते, कम से कम इस रोज की जिल्लत से तो बहुत बेहतर होता। आप कहती थी ना कि इसका खून हार जाएगा, मेरी तरबियत जीत जाएगी। ये तरबियत किया आपने? मुझ जैसी पारसा औरत को तूने क्या बना दिया है? हाँ पर एक बार उंगली उठाइए ताईजान तो आपको इतना दर्द हो रहा है। मैं तो इस जिल्लत से रोज गुजरती हूँ हजार दफा, तब मुझ पर किसी को रहम क्यों नहीं आया? अम्मा अब मैं इसे एक लम्हे भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसको कहें चली जाए यहाँ से, मैं इसको अब अपने घर में नहीं रख सकती। इसके बाप को कहें कि अपनी बेटी को लेके चला जाए यहाँ से। बस मुझे यूं तो हाँ नहीं माननी, मैं साबित करके रहूंगी जो कुछ मेरे बारे में सोचते हैं मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं नीलम हूँ और मुझे खुद को मनवाना आता है। क्या कहा तुमने? वो ही जो तुमने सुना। हाँ अगर तुम यकीन नहीं करना चाहते तो और बात। इसको यकीन नहीं खुशफहमी बल्कि खुशगुमानी कहते हैं। हाथों की लकीरों पे तो यकीन होगा ना तुम्हारा आली। तुम्हें पता है मैंने इस शहर के सबसे मशहूर फार्मिस्ट को हाथ दिखाया है और उन्होंने बहुत यकीन से ये प्रेडिक्ट किया है कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे होगी, मेरा लाइफ पार्टनर सिर्फ आली होगा। यकीनन उसने तुमसे बहुत भारी फीस भी ली होगी। अरे भारी फीस की किसको परवाह, उन्होंने जो बात कर दी उससे मेरा दिल इतना खुश हो गया कि बस। होती रहो खुश, इसका बिल तो किसी को नहीं आएगा। तुम्हें लगता है ना आली कि मैं ये सब बातें ऐसे ही कह रही हूँ? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं है ना? आली तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या? शायद पहले थोड़ा बहुत करता भी था लेकिन सिर्फ एक कजन के तौर पर, लेकिन जो आजकल तुम ये हरकतें कर रही हो तो तुम मेरी नजरों से और गिरती जा रही हो। क्या हरकतें कर रही?
इसको छिछोरिया और घटिया हरकतें बोलते हैं सारा। ये मैं तुम्हें बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन बेहतर होगा कि ये फजूल ख्यालात अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हें लगता है कि ये मेरे बस में? जो तुम चाहती हो वो भी नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर मैंने तुम्हें ये सब करके दिखा दिया तो आले? तो मुझे नहीं बल्कि तुम्हें पछताना पड़ेगा सारा। तुम उस वक्त हो रोगी के जिस वक्त तुमने ये ख्वाहिश की होगी, क्योंकि अगर ऐसा मुमकिन भी हो और मैं तुम्हें मिल भी गया तो वो सिर्फ मेरा वजूद होगा, मेरा दिल नहीं होगा उसमें। और दिल के बगैर जीती जागती लाश के साथ जिंदगी गुजारना कैसा होगा तुम सोच लो इसका। हाँ भाई, क्यों नहीं आएगा? बहन को कैसे इनकार कर सकता है फैजी? और फिर अजहर ने बुलाया है, तुम खुद ही बात कर लो। शाहीन तुम्हें खाने पे इनवाइट करना चाहती हूँ, बात करो। हाँ शाहीन, मुझे एक दो दिन के लिए शहर से बाहर जाना है। क्या, आज रात? अच्छा अच्छा, ठीक है, आ जाएंगे। ओके ओके। नजमा को बहुत सदमा हुआ है, नीलम ने इतनी बड़ी बात बोल दी, उसका तो दिल फटके रह गया है। जो भी है, उसने माँ बन के पाला है उसे, और फिर मेरी सारी जिंदगी इस तरह खिदमत की है। ठीक कह रही हैं आप अम्मा। एक बात पूछूं मैं तुमसे फैजी? अम्मा, आप इजाजत क्यों लेती हैं बात पूछने से पहले? तुम वाकई नीलम को साथ ले जाने के लिए आए हो? व्हाट भाई, अब तुम घर का माहौल खुद ही देख लो। नजमा तो बहुत दुखी है और उसने साफ कह दिया कि अब मैं इसके साथ नहीं रहूंगी। अरे मटर डाल दें किसी दारुल अमान में, साथ ले जाना तो बहुत दूर की बात है। आप तो सब कुछ जानती हैं अम्मा, फिर भी आप ऐसी बात कर रही हैं। बड़ी अखड़ मिजाज और बदजबान लड़की है, जिस तरह मैंने उसे पाला है, तरबियत दी है, इसको तो संभालना बहुत मुश्किल है। अम्मा, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि अगर तो आपने इसको रखना है तो ठीक है, वरना इसे किसी भी यतीम खाने में डाल दें आप, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। आप ही ने कहा था कि लड़की जात है, आप ही ने जिद की थी। खून और नस्ल तो बाप दादा से ही चलता है ना, खुदा ना खास्ता किसी ऐसे वैसे हाथों में चली जाती तो बाप दादा का नाम बदनाम होना था। अम्मा, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस लड़की में। वैसे ही मेरे सामने आती है तो मेरा खून खौलता है, पुराने जख्म ताजा हो जाते हैं मेरे। आपने जो करना है इसके साथ करें, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं है आपको। बेटा देख तो रही है, कोई गुजारे लायक रिश्ता मिल जाए तो बोल पढ़ा के रुखसत कर दूं इसे। और अम्मा, ज्यादा छानबीन करने की भी जरूरत नहीं है, एंड में इसने वही करना ना जो इसकी माँ ने किया था। नो प्रॉब्लम आली, जिंदगी चाहे किसी जिंदा लाश के साथ गुजरे या जीते जागते इंसान के साथ, मेरे लिए तो यही काफी है कि हम दोनों साथ होंगे। मैं और तुम आली, सिर्फ मैं और तुम, तीसरा और कोई नहीं। आली, मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम अपने साथ ले जाओगे? हाँ क्यों नहीं, मैं बाहर ही जा रहा था, आ जाओ। क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुम्हें फिर से किसी ने कुछ कहा? मामू से कुछ बात हुई तुम्हारी? क्या वो तुम अपने साथ ले जाना चाहते हैं? आली प्लीज, तुम मुझे अपने साथ किसी खुली जगह ले जा सकते हो जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम घुट रहा हो। ठीक है अम्मी, प्लीज, मैं आपसे पहले भी कह चुका, मैं ये नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए। और अगर यही मैं कहूँ कि मुझ पर रहम करो? अम्मी आप, मैंने कहा ना उसको भी रखो, अलग रखो, घर लेकर दो, फ्लैट लेकर दो, जो भी तुम्हें ठीक लगता है,
लेकिन जो मेरी पसंद की बहू आएगी वो इस घर में रहेगी मेरे साथ। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं चाहती। अच्छा, अब समझा। आपकी जिद ये नहीं है कि रक्षंदा ने आपको पौने 4 साल औलाद की खुशी नहीं दी, बल्कि उसका इस घर में ना रहना ये आपकी जिद है। अगर तुम इसे मेरी जिद कह रहे हो तो ऐसे ही सही। फिर मुस्तफा, अगर तुमने शादी ना की तो मैं ये घर छोड़कर बेटी के पास दुबई चली जाऊंगी हमेशा के लिए। For God's sake, अम्मी, प्लीज, इस तरह की बातें मत कीजिए। अब ये टॉपिक खत्म करें प्लीज। मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए 1 हफ्ते में, हाँ या ना। चल बस कर दे नजमा, वो तो पागल हो गई है पागल। अम्मा जान प्लीज, वो तो किसी को कत्ल भी कर देगी ना, तब भी आप यही कहेंगी। जोश में होश नहीं रहा कि क्या बके जा रही है, वरना तुम तो जानती हो ना कितना प्यार करती है वो तुमसे, ऐसी बात नहीं कर सकती। अम्मा बस कर दे, किसको बेवकूफ बना रही है। नीलम जैसी लड़कियां किसी से मोहब्बत करना नहीं जानती, वो सिर्फ मोहब्बत को इस्तेमाल करना जानती है अपने मतलब निकालने के लिए। जैसे मैं जानती नहीं उस घटिया लड़की को। अच्छा बस कर दो, छोड़ भी दो, तुमने तो बात को दिल पे ही लगा लिया। हाँ, वो शाहीन का फोन आया था, आज ना सबको खाने पे बुलाया है। तो ठीक है ना, आप और फैजी चले जाएं, मैं जाके वहाँ क्या करूँगी। क्या हो गया नजमा, जरा सी बात पे सब कुछ खत्म कर दोगी। मौका देख के ना शाहीन से मैं और तुम बात करते हैं। वो जो फैजी ने घर का शोशा छोड़ा है ना, और एहसन की लड़की देखने का मामला, वो भी बात करते हैं। क्या कहती हो? अम्मा, सारा का मसला भी तो अटका हुआ है, उसकी बात भी तो करें शाहीन से। वो तो आली को बाहर भेजवा रही है। मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं फिर इतना इंतजार करूंगी। बस तुम देखती जाओ कि मैं क्या करती हूँ। क्या मुझे नहीं पता, दोनों मेरे बच्चे हैं। सारा के लिए आली से बढ़के और कौन सा लड़का हो सकता है। रह गई एहसन की बात, तो खानदान में लड़की तो है नहीं, बाहर से ही लानी पड़ेगी। दादी, एक लड़की है वैसे करीब में, अगर आप मदद करें तो। आ गया मेरा बच्चा, कैसा रहा इंटरव्यू? किस लड़की की बात कर रहे हो तुम? कौन पसंद आ गया तुम्हें? अगर तो तुम नीलम के बारे में बात कर रहे हो ना, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर उस बदजात के बारे में सोचा भी। अरे क्या हो गया नजमा, वो इसके काबिल कहा, क्यों सोचा गया उसके बारे में? ये बताओ, वो नीलम नजर नहीं आ रही? वो चली गई आली के साथ। आली के साथ? क्या कोई सगा बाप अपनी बेटी से इतनी नफरत कर सकता है? नीलम, उन्हें सिर्फ गुस्सा है और कुछ नहीं। जितनी शदीद नफरत मैंने उनकी आंखों में देखी है ना, उतनी मैंने आज तक किसी की आंखों में नहीं देखी, किसी के लिए भी। और मैं फिर भी सब कुछ इग्नोर करके उनके आगे पीछे फिरती रहती हूँ। लेकिन आली तो नफरत करते हैं मुझसे, और अगर यही करना था तो पैदा होते ही गला घोट कर मार देते मुझे। नीलम, तुम तो बहुत बहादुर हो, बहुत हौसले वाली, तो अब क्या हो गया है, क्यों अपना हौसला खो रही हो? जो कुछ मैंने आज तक उनके बारे में सोचा था वो सब कुछ मैंने खुद इमेजिन किया था। मुझे ऐसा लगता था कि बेटी की मोहब्बत उनको खींच कर लेकर आई है वापस, मुझे देखते ही वो पिघल जाएंगे। लेकिन आली ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पुराना घोप जो था वो तो कितना अच्छा था। घर में कोई भी दावत हो, पार्टी हो, मुझे किसी बात की फिक्र नहीं रहती थी। लेकिन इसको जो है इतने महीने हो गए अभी भी इतनी गलतियां करता है। गुलशन उसके साथ है। ठीक है, अच्छा आप प्लीज बता दो कि अम्मा के लिए परहेजी खाना बनेगा और सांप के बारबेक्यू में खुदा के वास्ते कम मसाला डाले। मैं पहले से सब कुछ कह चुकी हूँ बेगम साहिबा। और जाओ मेरे लिए जरा ग्रेपफ्रूट जूस भिजवा दो। आ गया। अरे कमाल किया तुमने, अचानक ही प्लान बना लिया दावत का। असल में तो ये दावत आपको प्लान करनी चाहिए थी। असल मेरा भाई फैजी इतने सालों के बाद पाकिस्तान आया, बल्कि मैं तो चाहती थी कि वो यहाँ हमारे साथ स्टे करे। तो आज बुला लो ना उसे, किसने मना किया? बुला लो ना उसे,
दिल से कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, दिल से कह रहा हूँ। ये देखो, अगर साली आधे घर वाली हो सकती है तो साला आधे घर वाला क्यों नहीं हो सकता? मेरा बेडरूम दे दो। सोच लीजिए, फिर बाद में शिकायत मत कीजिएगा मुझसे। अरे शिकायत किस बात की? सुनो। यस। मुझे लगता है कि तुम्हारे जहन में कुछ खास चल रहा है। काफी समझने लगे आप मुझे। 25 साल का अरसा कम नहीं होता। अब भी नहीं समझेंगे क्या? अच्छा ये बताओ, आली नजर नहीं आ रहा पूरे घर में मुझे? घर पर नहीं है, मैं भी कॉल कर रही थी तो उठाया नहीं। ये तुम्हारे बेटे की तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ। मैंने कहा कि बिजनेस संभाल लो तो मेरी बात टाल दी उसने। अजहर, अभी तो उसकी यूनिवर्सिटी खत्म हुई है, कुछ दिन से एंजॉय करने दीजिए ना, जस्ट लेट मी एंजॉय। ठीक है, आप माँ बेटा आराम करें, एंजॉय करें। अच्छा मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बनवाओ, मैं जब तक फ्रेश हो जाऊं। क्या कह रहे हैं मियाँ? मानो पहली बार सुनकर तो मुझे भी यकीन नहीं आया था अपने कानों पर, लेकिन आगा फयाज का जितना संजीदा लहजा था, अब देखो ना, इतनी बड़ी बात को एक मजाक में तो नहीं कर सकता ना। तो दादी ने कुछ भी नहीं कहा? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं तुम्हारी दादी का, बजाहिर तो वो हमारे साथ है लेकिन अंदर से तो अपने बेटे का ही साथ देंगी ना, वो भी जो इतने सालों बाद परदेश से लौट कर आया हो। हाँ तो मत जाए ना परदेश, इधर ही रह जाए, यहीं कोई छोटी मोटी जॉब कर ले। क्या बात की है तुमने, जिसके मुंह को पाउंड लगे हो वो यहाँ क्यों छोटी मोटी जॉब करेगा? तो और फिर क्या होगा अम्मी? देखो अब दोबारा बात छेड़ेंगे तो फिर मैं तुम्हें भी बुला दूंगी। ये घर तो हम बेचने नहीं देंगे, साफ बात। लेकिन आदत शेर तो है ना उनका। चलो तुम तो पहले ही चचा के हमायती बन गए हो, तुम क्या बात करोगे? तुम रहने दो, मैं खुद ही बात कर लूंगी उनसे। अब देखो ना, शाहीन को अल्लाह ताला ने हर चीज से नवाजा है, उसके पास तो ऐसे 4-5 घर यूं ही खरीदे पड़े होंगे, उसको भला इस घर से अपने हिस्से का क्या लालच होगा? ये तो आप सोच रही हैं ना, उनके दिल में क्या चल रहा है हमें क्या मालूम, और वैसे भी कोई अपना शेर थोड़ी छोड़ता है। सिरी तो मैं कह रही थी कि क्या क्या कह रही थी? पहले तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे अपनी दादी से? मैंने क्या कहा? अच्छा सुनो, कल हम यास्मीन के यहाँ जा रहे हैं, तुम उससे मिल लेना, बात कर लेना, दिल को लगी तो ठीक है, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है। लेकिन प्लीज उस नीलम के बारे में सोचना छोड़ दो। अम्मी मेरी प्लीज, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल दिए रात को पहन के जाने के लिए, और ये नीलम आ जाए इसका तो फैसला मैं करवाती हूँ आज, बगैर बताए बगैर पूछे आली के साथ निकल गई अकेले में। अच्छा हुआ इसके बाप को भी इसकी असलियत पता चलेगी। तैयार हो जाना वक्त पे। क्या कहा तुमने? यार पहले मम्मी से बात करूंगा ना, वो सबसे बात करेंगी तुम्हारे लिए। तुम फुप्पो से बात करोगे मेरे लिए? तो और किसके लिए करूंगा, ये तुम्हें सुनने में बार बार मजा आ रहा है। अब क्या सोचने लगी? आली दुआ करो कोई मौजा ही हो जाए और आगा जान मुझे अपने साथ वापस ले जाए। नीलम, क्योंकि मैं अपनी आंखों से वो जिल्लत नहीं देखना चाहती जो पप्पो तुम्हारा प्रपोजल लाने के बजाय मेरे साथ करेंगे, वो भी सबके सामने। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती आली, वो तो ये कभी नहीं होने देंगे। तुम क्यों मायूस हो रही हो? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे मम्मी डैडी के लिए मेरी खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं है। मैं जिद करूंगा ना तो वो मेरी बात नहीं डाल सकते। तुम्हारी सारी जिंदगी की जिदें एक तरफ और मेरे साथ होने की ख्वाहिश अलग, वो ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। तुम सिर्फ डिप्रेशन में हो और मुझे भी डिप्रेस कर रही हो। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जो पाना चाहता हूँ ना वो हासिल कर लेता हूँ, और मैं बिल्कुल भी बुजदिल नहीं हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी जाके मामू से बात कर लूँ खुद। नहीं आली, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ओके अब क्यों डरे? मैं तुमसे प्यार करता हूँ नीलम, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और ना पीछे हटूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। वाकई आली तुम तो धोखा मत देना,
मेरा तो वैसे ही सारे रिश्तों से एतबार उठ चुका है। अब अगर तुमने धोखा दिया ना तो खुद से और मोहब्बत से भी यकीन उठ जाएगा। सारा तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अब क्या हुआ तुम्हें? कुछ हो ना जाए इसलिए कह रही हूं कि मुझे नहीं जाना। क्यों? पहले तो तुम बड़ी उड़ी उड़ी जाती थी अपनी फूफी के घर, अब बुलावे भी नहीं जा रही हो। तुम्हें पता है दोबारा शाहीन का फोन आया था, खास तौर पर उसने कहा है कि तुम्हें और एहसन को जरूर साथ लेकर आना है। तो मम्मी जरूरी तो नहीं है कि हर किसी के बुलावे पे ऐसे भागे दौड़े चले जाए। मेरा मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना। क्या बात है, मैं देख रही हूँ कि जब से तुम बाहर से आई हो तुम्हारा मूड ऑफ है। कुछ नहीं हुआ है। सारा मुझे ठीक तरह से बताओ कि आखिर मसला क्या है। अच्छा, मैंने तो सुना है कि माएं बिन के ही बच्चों के दिल का हाल जान लेती हैं। क्या ये सब झूठी किताबी फर्जी बातें हैं? चल अब मुझे तुम्हारे सामने अपनी ममता का टेस्ट देना पड़ेगा। सीधी तरह से बताओ कि क्या परेशानी है तुम्हें। अम्मी बख्श दे मुझे, मुझे नहीं जाना, मेरा मूड नहीं है और वैसे भी मैं वहां जाके क्या करूंगी। क्या बात, आली के साथ तुम दोपहर घर किसके साथ आई थी? आली के साथ? उसने तुम्हें यूनिवर्सिटी से पिक किया था, तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ गई थी ना यूनिवर्सिटी। उसका घर पुप्पो के घर के करीब था तो उसने वहीं ड्रॉप कर दिया। पुप्पो ने आली के साथ वापस भिजवा दी। ओह, तो ये बात है। रास्ते में आली से लड़ाई हो गई है क्या? तो सारा फिर क्या बात हुई है, मुझे ठीक से बताओ, क्यों परेशान कर रही हो मुझे बेटा? मैं आली मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मुझसे नफरत करता है अम्मी। और अगर वो मुझे नहीं मिला ना तो मैं मर जाऊंगी। मैं नहीं रह सकती अम्मी आली के बगैर। दादी क्या कह रही हैं आप? बेशरम बेहया, सारा दिन किसके साथ गुजार कर आई है और क्यों नहीं करेगी ये सब कुछ? तेरे तो खून में शामिल है। मैं इसी बुरे दिनों के इंतजार में जी रही थी कि कब तो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलती है, आखिर दिखा दिया ना तूने। दादी सारा भी तो सारा दिन बाहर गुजारती है। सारा का नाम मत लेना, जबान काट दूंगी मैं तेरी। इस तरह आज तूने नजमा के साथ मुंह मारी की है, वही हम लोगों के लिए काफी है। हम जितना मर्जी तुम्हारे साथ अच्छा कर लें, तुम्हारे दिल में जहर भरा है। आज जिस तरह तेरी जबान उगली है ना, उस औरत के लिए जिसने तुझे माँ बनकर पाला, एहसान फरामोश। ऐसा कौन सा एहसान कर दिया आप लोगों ने मुझ पर, ये भी बता दे मुझे। अगर घर में रखना एहसान है ना तो उसका बदला मैं चुका रही हूँ। अब से नहीं बल्कि बचपन से इस घर में 5 नौकरों से ज्यादा काम किए हैं मैंने। कभी आपको या ताईजान को किसी चीज पर ना तक नहीं किया। एहसान किया अंबर, जा जाके सड़कों में धक्के खा, तुझे इस घर की कदर मालूम होगी। हमने रखा है तुझे यहाँ। आपने नहीं, मेरे बाप के नाम ने। चाहे मुझे अपनी बेटी माने ना माने लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मुझे इस घर में रख ही लिया। ओ, ये जो तुम्हारी आज जबान खुली है ये किसके कहने पे खुली है? सारा दिन किसके साथ गुजार कर आई है? मैं तेरा गला दबा दूंगी, जिंदा काट दूंगी, बता किसके साथ रही तू? अम्मा, ये आली के साथ थी, वही इसे यहां छोड़ के गया। अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए,
तुम्हारे मामू और नानी अभी आते ही होंगे। बस अभी हो जाता हूँ। मैं तो समझा जो आप इतना इत्माम कर रही हैं, घर में कोई तकलीफ भी है। जब अपने मिल बैठे तो इससे बड़ी कोई और तकलीफ हो ही नहीं सकती। एक तो तुम्हारे डैडी है, एंड टाइम पे किसी से मिलने चले गए। बस आधे घंटे में। ओके, क्विक 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 क्विक, और अच्छी से शर्ट पहनना कुछ। हाँ, इसका क्या काम था आली के साथ यूँ घूमने फिरने का? मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी जो आजादाना घूम फिर रही हो? सारा आली के साथ वापस आई थी, मुझे अपनी दोस्त के पास जाना था तो मैंने आली से कह दिया कि वो ड्रॉप कर दे। उसने खुद बोला कि वो वापसी पे पिक भी कर लेगा। सारा के साथ मुकाबले करती मर जाना तुम। क्या देख लिया तुमने मेरी बच्ची में? उठती बैठती उसके साथ दुश्मनी करती फिरती हो। हाँ, मेरे सामने क्या कम जबान चलाती थी कि अब मेरी बेटी के भी गले पड़ गई हो? अम्मा, जरा पूछे इससे, क्या लेना है इससे सारा से? क्यों उसके पीछे पड़ी है? मेरी बच्ची ने इसका बिगाड़ा क्या है? अम्मा, कब जाना है शाहीन की तरफ? हाँ बस तैयार हो जाओ, निकलते हैं। दो दफा फोन आ चुका है उनका। अम्मा, वो सारा कह रही थी कि वो नहीं जाना चाहती। मैंने तो बड़ी मुश्किल से राजी किया सारा को। क्यों? वो तो बहुत फरमाबरदार बच्ची है, हमेशा तुम्हारा काम मानती है। वो असल में कह रही थी कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, आप लोग चले जाएं। असल में उसने पढ़ाई शुरू कर ली है ना, इसलिए। पढ़ने का तो उसे बहुत शौक है और अब तो दाखिला भी मिल गया। हाँ, एहसन तैयार हो गया? जी अम्मा, वो तैयार हो गया। हाँ, मैं इसलिए आई थी कि मैं आपको बता दूँ, आपके कपड़े इस्त्री कर दिए हैं मैंने। ये मोहतरमा तो सारा दिन सैर सपाटे करके वापस तशरीफ लाई हैं। सुबह से मैं अकेली पूरे घर का काम संभाल रही हूँ। फैजी बेटा, तुम जाके तैयार हो जाओ इससे पहले कि दोबारा फोन आ जाए। ठीक है अम्मा जान। मैं आज लॉयर के पास गया था, काफी बातें हुई हैं उससे। वापस आके आपको तफसील बताता हूँ। देखते हो आली, तुम कैसे मुझसे नफरत कर सकते हो? मेरा चाहते तुम पे ना चलाना तो मेरा नाम बदल देना, बल्कि अपनी मर्जी का कोई नाम रख देना, जैसे सारा आली। एहसन भाई, तुम्हें कितनी बार बोला है मुझे एहसन भाई मत बोला करो, मेरी बात समझ नहीं आती तुम्हारे? तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मैंने अम्मी और दादी से सब कुछ कह दिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और नहीं करनी मुझे उस लड़की से शादी, उस यास्मीन से। क्या मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा? तुम्हें लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तुमसे? हाँ, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं। आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप किसी के सामने जाकर इस तरह की बात करेंगे। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? पागल हो गए हैं क्या आप? चले जाए यहाँ से इसी वक्त, वरना मैं इतना शोर मचाऊंगी कि सबको जमा कर लूंगी, फिर देखती हूँ आप कैसे सबके सामने मेरा नाम लेते हैं। तुम्हारा नाम लूंगा, लूंगा सबके सामने तुम्हारा नाम लूंगा। बात समझ आ रही है तुम्हें? तुमसे मोहब्बत की है, कोई मजाक नहीं किया मैंने। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, किसी और का होने नहीं दूंगा तुम्हें, किसी की नहीं होने दूंगा। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और एहसन भाई, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सारा कुछ नहीं, इसने मुझे अंदर कमरे में बुलाया था, कह रही जरूरी बात करनी है, और जैसे ही मैं कमरे में आया तो गले पड़ने लग गई मेरे। What? तुम मेरे भाई के पीछे हो? मैं अभी जाके अम्मी और दादी को बताती हूँ, खुद तुम्हें इस घर से धक्के देके निकालेंगी अभी इसी वक्त। अरे नहीं, सुनो सुनो सारा, मेरी बात सुनो। सारा, क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो तुम? मैं खुद अपनी आंखों से देख के आ रही हूँ दादी, नीलम ने एहसन भाई को कमरे में बुलाया और बस। या मेरे अल्लाह, आसमान क्यों नहीं गिर गया, जमीन क्यों नहीं फट गई,
इतना बेशर्मी का नजारा हमारे घर में, हम जिंदा कैसे? अम्मा जान सुन रही हैं आप? आगा फयाज, मेरे भाई, मेरे सर पर शर्म के तहफ्फुज की चादर नहीं है। उनके बाद मैंने आपको और अम्मा को ही अपना सब कुछ माना है, अपना मुहाफिज समझा है। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देखो, मेरे सर की चादर देखो। प्लीज प्लीज भाभी, ऐसा नहीं करें आप, प्लीज। मैंने तुम्हारी बेटी को जैसा भी उसके साथ अच्छा भला बुरा सलूक कर सकी किया है, अपने बच्चों से बढ़कर उसे खिलाया पिलाया, उसे पाला पोसा है, दुनिया के खौफ से नहीं, खुदा के खौफ से। आपको सब बताने की जरूरत नहीं है भाभी, मैं सब जानता हूँ। लेकिन मेरे भाई, तुम्हारी बेटी तुम्हारी अमानत है, तुम इसे ले जाओ। हम तो निगेबानी करके भी बुरे बने, यहीं कहीं किसी घर में लेके रख लो, उसे किसी हॉस्टल में डाल दो, यहाँ से ले जाओ बस, यहाँ मैं नहीं रख सकती। नजीमा, अम्मा मुझे बात तो करने दें, प्लीज उसको यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अब उसको यहाँ रखने में मेरी और मेरे बच्चों की नामूस को खतरा आन पड़ा है। भाभी, ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं उसे साथ नहीं ले जा सकता। अच्छा, तो फिर ठीक है, इस घर में से जो भी मेरा और मेरे बच्चों का हिस्सा बनता है ना, वो मुझे दे दें, मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। क्या कह रही हो नजमा तुम? अम्मी, वो बार बार फोन आ रहा होगा। अच्छा, मैं तैयार होके आती हूँ। अरे अम्मा आ गई। ओफो अम्मा, इतनी देर कर दी आपने आने में, थका दिया आपने मुझे इंतजार करवा करवा के। मैंने तो कहा था आप फैजी के साथ चली जाएं, हमारा भला वहाँ क्या काम, हम फिर कभी आ जाते। अरे भाई, बच्चों के बगैर दावत कैसे हो सकती है? एहसन और सारा मेरे बच्चे ही तो है। अच्छा खैर, चले आएंगे अंदर, चलो चलो सारा। तुम नहीं चल रहे अंदर, आगे किसी का इंतजार कर रहे हो क्या? अरे लेकिन मेरी बेगम साहिबा, ये तो बताओ कि ये सरप्राइज डिनर है किस बात पे? आई मीन कोई पर्टिकुलर रीजन? क्या सरप्राइज है, बोलो तो सही। तुम चुप करोगे तो मैं कुछ बताऊंगी। आप ओके, फाइन, प्लीज। मैंने जर्मनी के जिस मेडिकल रिसर्च कॉलेज में अप्लाई किया था, वहां से मुझे स्कॉलरशिप पे एडमिशन की ईमेल आ चुकी है। मुझे नेक्स्ट मंथ ही जाना होगा। तुम तो जानते हो मुस्तफा, इस रिसर्च कॉलेज को ज्वाइन करने का मुझे कितना क्रेज था। तुम्हें खुशी नहीं हुई? और तुम्हारा दूसरा सरप्राइज क्या? आई मीन, हो सकता है कि वो सरप्राइज इस पहले सरप्राइज से भी ज्यादा शानदार हो, तो मैं अपनी खुशी को डबल एंजॉय कर सकूं और उसी तरह से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकूं। तो क्या तुम मुझे जाने नहीं दोगे? मेरा मतलब है, मना करोगे? मैं तुम्हारे दूसरे सरप्राइज का वेट कर रहा हूँ, वो बताओ। पहले मुझे बताओ, तुम मुझे जाने दोगे या दूसरा सरप्राइज? मुस्तफा, मैं तुम्हें इजाजत देना चाह रही थी। किस बात की इजाजत? मुस्तफा, तुम दूसरी शादी कर लो, जहां अम्मी चाहती। तुम
एक बार मैं उस औरत की तस्वीर देख लूं, वो मुझे कहीं भी मिल जाए, पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं, लेकिन मैं उससे जरूर मिलूंगी। एक बार तो उससे पूछूंगी कि अगर यही सब कुछ करना था तो फिर मुझे क्यों पैदा किया। चलो मैं। आली छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हो? वैसे सुबह से सबकी बहुत बातें सुन चुकी हूँ मैं। आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकेगा, ये मेरा तुमसे वादा है। चलो प्लीज, तुम तो मेरे साथ ये मत करो, तुम ही रहम खा लो मुझ पर। कहते हो ना तुम मोहब्बत करते हो मुझसे, तो तुम ही तरस खा लो। तुम तरस के काबिल बिल्कुल नहीं हो आली, तुम सिर्फ मोहब्बत के काबिल। तर्स के काबिल तो वो लोग हैं जो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करते हैं, पर आज के बाद कोई तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकेगा। चलो मेरे साथ। आली छोड़ो मुझे, वैसे ही घर पर कोई नहीं है। अम्मा आपको कुछ दो, बहुत मजे की भुजी है। अज़र, नजमा भाभी बिरयानी लीजिए ना। बस बस थैंक यू। ये कैसी आ गई यहाँ पर? आली ये तो आगा जान, मैं खुद घर जाकर नीलम को लेकर आया। आली आगा जान, मैं नीलम से शादी करना चाहता हूँ।